तो गाइस यार आपने मूवीज और वेब सीरीज में देखा होगा हॉन्टेड स्कूल, पर गाइस यार आज हम लोग रियल लाइफ में जाने वाले हॉन्टेड स्कूल के अंदर। आप जो मेरे पीछे स्कूल देख रहे हो, ये स्कूल असल में एक पुरानी ग्रेवयार्ड के ऊपर बना हुआ है। वो लगभग 60-70 साल पहले थी, पर गाइस यार अब भी ये माना जाता है कि रात को यहाँ पर भूत रहते हैं। पर भाई मैं तो नहीं मानता और ना ही मेरा दोस्त डरता है, तो यही चीज चेक करने के लिए आज हम लोग इस स्कूल में पूरी रात रुकने वाले। वैसे अलाउड नहीं है स्कूल में रुकना, वो तुम्हारे ऊपर है, रिस्क तुम्हारा है जो रुकना चाहे। पर गाइस यार आज हम इस स्कूल में रुकने वाले पूरी रात, तो चलो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस यार अभी हमने पता करी इस स्कूल की स्टोरी क्या है, तो हमें पता चला यहाँ पे एक इंसान था जो कि शमशान घाट का पूरा ध्यान रखता था। तो वो बंदा पूरा का पूरा शमशान घाट संभालता था, मतलब वो बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा था। फिर पास वाले लोग उसको ढूंढने लगे क्योंकि वो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आखिर में पता चला कि वो इस वाले पेड़ पे उसने आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पे जो पीपल का पेड़ है उधर उधर उन्हें आत्महत्या कर ली थी। तो गाइस यार यहाँ पर जो शमशान घाट थी, जो इसका देखभाल करता था वो बंदा, भाई वो एक दिन गायब हो गया। भाई गांव वालों ने उसको काफी ढूंढा पर वो मिला नहीं। पर यार एक दिन एक गांव वाले ने उसे पीपल के पेड़ के ऊपर देखा और पीपल के पेड़ के ऊपर वो मरा हुआ था और उसने अपनी आत्महत्या की थी। किसी को आज तक नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया था, काफी अच्छी लाइफ जी रहा था। पर गाइस कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस सरकारी स्कूल में रात को घूमती है। काफी लोगों ने उसको देखा भी है और महसूस भी किया है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता। पर गाइस आज हम यहाँ पर पूरी एक रात बिताएंगे और देखते हैं यहाँ पर सही में कोई भूत भूत है या फिर ये सब बकवास फैला रखी है। तो गाइस यार अभी हम स्कूल में यहाँ पे खड़े और अभी हम वेट कर रहे हैं रात होने का, तो देखते हैं कब रात होती है फिर शुरू करेंगे अपना टेंट वेंट लाएंगे, मजा आएगा। तो गाइस यार स्कूल के अंदर अभी हम आ चुके हैं और ऊपर आप देख सकते हो पूरी की पूरी रात हो चुकी है। और गाइस यार ये हमारा सामान है जिससे आज हम सर्वाइव करने वाले हैं इस पूरी रात। तो गाइस यार सबसे ज्यादा ये बताओ मेरे को क्या लग रहा है, यहाँ पर एक तो कोई है नहीं, ऊपर से जो जिगा पर हम सो रहे हैं ऊपर पेड़ देख रहे हो यार, ये पेड़ से भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। शायद ये बरगद का ट्री है या फिर पीपल का, पता नहीं किसका है, बरगद का ही है शायद। हाँ तो चलो गाइस यार यहाँ पर आप जल्दी से टेंट लगाते हैं और उसके बाद आपको देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर अपने कैंप भी लगा दिया है। अब भाई साहब बस सुबह होने का वेट करते हैं। और स्कूल सेमी बहुत ज़्यादा बड़ा है और मेजोरिटी जगह पर लाइट्स नहीं है और ना ही सफाई हो रखी है। ये एक सरकारी स्कूल है जैसे कि मैंने पहले शुरू में बताई दिया था आपको। तो क्या वही उसकी आवाज है, किसकी क्या बोलते हैं, गाय की आवाज है। चलो चलो कोई नहीं। ओ, तो गाइस यार यहाँ पर हम स्कूल में आ चुके हैं, चलो पूरा स्कूल देखते हैं रात के टाइम कैसा लगता है, कितना डरावना लगता है, देखते हैं। तो गाइस यार देखते हैं इधर क्या, यहाँ पे गली जा रही है बढ़िया सी, चलो देखते हैं। ओह माय गॉड यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो गाइस यार पीछे देख सकते हो पूरा का पूरा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रात के टाइम यहाँ पर अगर अकेले आए तो ज्यादा डर लगा, अभी हम दो तीन जने हैं तो इसलिए हमें इतना डर लग नहीं रहा है, पर अभी पूरी रात भी नहीं हुई है, बंद पड़ा है। पुराने टाइप के दरवाजे लोहे के हैं वो भी, और सो तो रात को ये बजने लगे तो भाई बैंड बज जाएगी सही भी। अरे क्यों कहने जगा रहो, कोई सो रो भीतर भूत बहुत। रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो। हमने एक चैलेंज लिया है, अगर इस ईयर के एंड होते होते हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो हम 1000 लोगों को खाना खिलाएंगे। और ये सुनने के बाद भी आपने, जी हाँ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखना भगवान आपको देख रहा है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। तो अभी सारे के सारे क्लासरूम बंद है, लाइट आ रही है। इसमें लाइट क्यों आ रही है, सब में बंद है तो जल्दी छोड़ के होंगे शायद। अंदर बहुत बहुत पार्टी कर रहा है। हेलो हेलो एनीबडी हियर, जल्दी छोड़ के लाइट कल चेंज है। ओए इतनी सारी चीटियां हैं, मार रहे इनको। हाय सांप, इतनी सारी चीटियां यहां पर, वो सिर्फ इस रूम के बाहर ही। खादे पुराना हो गया हम उसके ऊपर से कूद के आ गए जैसे ही बंद हुआ था। हमने पहले शाम होने का वेट किया, जैसे ही गेट बंद हुआ अंदर कूद के आ गए। अब किसी को पता नहीं है, उस तरफ जाना नहीं चाहिए क्योंकि पता चल जाएगा। चलो रात को खा जाए या पकड़ ले तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो हम सीधा खत्म। तो गाइस यार अभी मुझे ये मस्त सा ऐप मिला है, घोस्ट डिटेक्टर ऐप, ये देख सकते हो। इसमें कुछ तो है EMP सेंसर्स, EMF सेंसर्स है, बहुत सारे सेंसर है। इससे हम ढूंढेंगे क्या है, सही में भूत है। आओ चल फटाफट, चलो फटाफट से इस ऐप को यूज करते हैं। चल जल्दी उठ, जल्दी उठ। कहाँ जाएगा अभी, ढूंढेंगे ऐप में, चले भूत ढूंढेंगे। चल चल
मेरे को नहीं जाना यार, तू पहले वो चार्ली वार ली खेल रहा था यार, तू अकेला चला था भाई, मेरे को नहीं जाना, मैं तेरे को पहले बोला था मेरे को मत ला इधर, पागल है मत जा रहे, कुछ नहीं होता यार, तुम मत जाना, पागल हो रहा है सामने बता रहे, इसको हमने ऑन कर दिया, इसको ऑफ हुआ। तो गाइस यार फटाफट से चलते देखते हैं इस डॉट को, पता करते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही बड़ा सा पेड़ है, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस इतनी सी टॉर्च है हमारे पास, अभी भी आगे जाना है, चलो चलो देखते हैं क्या सही, उसमें से आवाज आ रही हो, उसमें से आवाज आई थी अभी भी, चलो चलो अभी इधर ही सामने कुछ आ रहा है, बहुत ही पास आ रहा है लग रहा है, अभी क्या है, अभी देखो हिल रहा है, वो हिल रही, हम जा रहे हैं उसके पास, आवाज आ रही है, कुछ तो आवाज आ रही है स्पीकर्स में से, और क्या है भाई, धुआं धुआं कैसे हो रहा है इधर, भाई बहुत पास आ गया, और बंद हो गया, नहीं आ गया, आ गया, बहुत ही ज्यादा पास है, और भाई क्या हुआ, अभी इधर क्या हुआ, अभी तो बिल्कुल हम उसके ऊपर ही खड़े, क्या जाली में ही हो क्या, उरे क्या है, इसके ऊपर ही दिखा रहा है, हम उसके ऊपर ही चीज खड़े हैं, इस कैमरा में दिखाएगा क्या, अरे बंद हो गया फोन, ये देख सो इसके अंदर एक कैमरा भी आ रहा है, इसके अंदर क्या कुछ सही में कुछ है क्या, वो तो नाली नाली लग रही है बस, कुछ है भी नहीं, कैमरा में भी कुछ दिखाएंगे पर, अरे वो गायब हो गया, वो उस तरफ दिखा रहा है भूत, भी क्या है उस तरफ दिखा रहा है, उधर तो हमारा टेंट है, टेंट में तो नहीं पहुंच गया भूत, तो गाइस यार इस ऐप के हिसाब से हम कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, जहाँ पे ये बोल रहा है उधर उधर जा रहे हैं, पहले वहाँ पे पत्थर वत्थर वगैरह कुछ तो हो रहा था, वहाँ पे क्या था मेरे को समझ नहीं आया, नाली के पास कुछ तो था, कुछ समझ नहीं आया, इसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ, अभी सामने दिखा रहा है, चलो चलते, अरे भाई वो ये क्या हुआ, अभी पेड़ में क्या हुआ भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अबे सुन सुन पागल, अभी मैं वहां पे गया था, अबे कुछ तो हो रहा है पक्का, कुछ तो है उस ऐप में, क्या है अबे उस ऐप में, कुछ ना कुछ तो है पक्का, क्या हो गया पता, अबे ऐप में गया है, जैसे वहां पे जहां पे लाल लाल आ रहा था ना, एकदम से कुछ ना कुछ तो हुआ, आजा तो दिखा, चल आजा जल्दी जल्दी, मतलब ऐप में क्या हुआ, मतलब समझ नहीं, अरे उसमें लाल लाल दिखा रहा था, जैसे पास में गया एकदम से वहां पे आवाज आने लग गई, और नाली के पास भी कुछ तो हो रहा है, अरे चल आज एक बार दिखा तेरे को, मुझे नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है मैं नहीं जा रहा कहीं भी, मैंने पहले बोला था मत आ यहां पर, और तू वापस आया, गाइस यार इन लोगों ने मैं जगा तो दिया हूँ, इन्होंने दो बार जगा दिया, बढ़िया नींद आ रही थी, पर यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, कुछ तो करने के लिए मिले, कुछ है क्या करने के लिए, अबे मैं बोल, अरे मैं बोल रहा हूँ भूत की मूवीज देख के मजा आएगा, पागल है यार तू, मजा आएगा घर देखता यार, यहाँ कोई मूवी देखने का टाइम भूत की, रात में मूवी देखने में तो मजा आता है, अरे मूवी क्या देखने में, यहाँ की असली कहानी बताता हूँ, क्या कहानी, असली कहानी, ओए पागल है क्या, अरे मैं भाई नहीं, मेरे को यहाँ की कहानी मत सुनो, और कहीं से रियल, रियल सचमुच की कहानी, हाँ यहाँ की, तुझे कैसे पता, भाई मैं यहाँ फर्स्ट क्लास से टेंथ क्लास तक पढ़ा हूँ, फर्स्ट क्लास से टेंथ क्लास, मजा आएगा, चल चल बताता हूँ, भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं है यार, और कहीं की सुना, यही की जरूरी है, जहाँ बाहर आयो अपनी एसटीसी कराने, भाई और कहीं की बता लो, जब मैं सिक्स्थ क्लास में था ना तब बाहर ऑफिस डेली खुला पाता था स्कूल का, मतलब ऑफिस है जो, ऑफिस है जो डेली खुला पाता था, खोल के छोड़ जाते थे, फिर कोई रात को खुलता था अपने आप, मतलब क्या कुंदी बुंदी नहीं थी क्या ऑफिस में, ताला लग रहा था, ताला लगा हुआ, कटा पाता था हर दिन, सच बता मजाक मत करिए भाई, सही में खा माँ कसम, माँ कसम भाई, भगवान कसम, भगवान कसम, कितने साल पहले की बात है ये, तब मैं पाँचवीं छठी क्लास, अपन थोड़ी देर पहले ऑफिस गए थे, मतलब कहने का मतलब ऑफिस का सारा सामान बाहर, ताला टूटा हुआ और सारा सामान, पेड़ पे खून वगैरह कुछ लिखा पाता था, खून इस पेड़ पे पहले, ये पेड़ जो बिल्कुल बगल में, ये बरगद का, बरगद का, अबे फिर पीपल, पीपल के पेड़ पे क्या है, वो पीपल के पेड़ पे वो मरा था,
वो तो आदमी पाया था उसमें, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, गलत स्टोरी सुनी थी मतलब हमने, असली इस बरगद के पेड़ के साथ लेना देना है। वो तो मतलब बरगद पे पेड़ पे खून मिला था और मारा उधर था। मैं इतनी दूर इसलिए आके ये टेंट लगाया कि अपन उसके उससे दूर रहे, कौन सा पेड़ है, पीपल के पेड़ से और बरगद के पेड़ के पास, असली कहानी बरगद पेड़ की है और हम बरगद के पेड़ के पास, बरगद का पेड़ बिल्कुल बगल में है, ऑफिस भी जस्ट सामने है बरगद के। क्या हो जा रही है, खून के धब्बे रहते थे पूरे पेड़ के ऊपर, निशान रह करता, निशान कैसे, निशान ब्लेड का, लाइक ब्लेड मतलब जैसे ऐसे कुछ हाथों से किया, बकवास तो ना करे कोई, ऐसा आता तो नहीं होगा रात को चोर वोर, चोर चोर ब्लेड मारेगा पेड़ के साथ उसके, क्या दोस्त और खून खून क्यों लगाएगा, चोर ज्यादा होगा उसके पास खून। भाई मैं जा रहा हूँ भाई, रात ना रुको जा मेरे पास, गाड़ फट रही है, सही में गाड़ फट रही है, सही में नर्क हो जाओ गाड़ी, मेरी बात मानो, ये भूत भूत की बातें करना बंद करो, भाई मेरे को सही में डर लग रहा है, और चुपचाप सो जाते हो और सुबह 5 बजे भग जाएंगे, वरना मैं अभी चला जाऊंगा, ठीक है। तो यार वो नाली का याद आ रहा है, नाली में से भाई तेरी नाली को पिछवाड़े में डाल ले और बात मत कर, चुपचाप सो जाते हैं, अब सुबह उठेंगे सुबह सोते सोते कुछ हो गया था। तो गाइस यार अभी रात के बज रहे हैं 12 और भूख लग गया यार, क्योंकि हम कुछ खा के नहीं आए थे, तो इसलिए हमने अपना जुगाड़ कर लिया था, पहले हम गैस चूल्हा ले आए थे, ये रहा पानी और अब बनाने वाले हैं मैगी, चलो हो जाओ सभी लोग खाने के लिए तैयार, चल 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 जल्दी बना। तो गाइस सर अभी हमारी मैगी पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है, फटाफट से इसको खाते हैं और देखते हैं कैसी बनी है, और अभी रात की 1 भी यहाँ पे बज चुकी है, अब हमें आपसे 5 घंटे और बिताने, चलो मैगी खाते हैं। तो गाइस यार जहाँ पर हम सो रहे थे वहाँ पर अपने फ्लैश ऑन कर रखी थी, तो यार जो सिक्योरिटी गार्ड है वो असल में बाहर सोता है स्कूल के, तो उसने देख लिया था कि अंदर कोई स्कूल के घुसा हुआ है, तो गाइस यार सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ गया और सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ से हमें भगा दिया, बोला पुलिस को बुला लूंगा तो हम वहाँ से निकल लिए जब